नमस्कार, इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से हम आपको देना चाह रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि रोबिन नागपाल, करनाल के चर्चित रोबिन नागपाल हिट एंड रन मामले में ट्विस्ट पहले ही आ चुका था कि रोबिन की जो है हत्या की गई थी, वो सड़क हादसा नहीं था। अब बड़ी अपडेट इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको दे रहा है कि रोबिन नागपाल की हत्या में शामिल तीनों आरोपी, जी हां, रोबिन नागपाल की हत्या की गई थी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। राजू बटला, गौरव और नीरज को गिरफ्तार कर दिया गया है। और जुड़े रहिएगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खबर तो जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि किस तरह से रोबिन नागपाल की क्यों हत्या की गई थी। जी हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल पुलिस जो है, करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा ने तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस चीज की आधिकारिक पुष्टि कर ली गई है और तकरीबन 15 से 20 मिनट में करनाल पुलिस की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें आप देखेंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कैमरे के सामने तीनों हत्या आरोपियों को जो है मीडिया के सामने लाया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि राजू भटला, जी हाँ, राजू भटला मुख्य इसमें साजिशकर्ता बताया जा रहा है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजू भटला और रोबिन नागपाल का जो उसका साथी था, जो अरविंद, दोनों को टक्कर मारी गई थी। अरविंद और राजू भटला का कोई दुकानी विवाद चल रहा था। करनाल के कुंजपुरा रोड पर रणधीर सिनेमा से आगे रामबाग में वे रहते थे, उनके सामने ही उन्होंने तकरीबन 3 साल पहले दिल्ली दरबार के नाम से एक चिकन कॉर्नर खोला था। दोनों ने पार्टनरशिप में खोला था, लेकिन उनका विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ पैसे की रंजिश और कुछ दुकान की रंजिश थी, प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। और दो लड़के जो गौरव सदर बाजार के आसपास का बताया जा रहा है, गौरव पेलानी जो इंश्योरेंस का काम किया करता है, और दूसरा जो शख्स आरोपी बताया गया है उसमें नीरज, जिसकी गाड़ी थी, जिसकी स्विफ्ट गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, इन तीनों को गाड़ी में बिठाया जाता है। तीनों रेकी करते हैं कि दोनों देखते हैं कि किस तरह से करनाल के कुंजपुरा रोड से, जब दोनों, जो रोबिन नागपाल है और दूसरा जो अरविंद है जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों रोजाना की तरह सैर किया करते थे, लेकिन पीछा कर रही गाड़ी ने जैसे ही सेक्टर 13 के सामने देखा, सेक्टर 14 हरियाणा नर्सिंग होम के सामने, जैसे ही जो है आकांत जगह पर गाड़ी पहुंची और जैसे ही वो दोनों सुनसान जगह पर जैसे ही सैर करने लगे, तो गाड़ी ने पीछे से दोनों को टक्कर मार दी। हालांकि जो आरोपी है राजू बटला, उसने पुलिस को यह बयान दिया दौराने पूछताछ और अब उसका रिमांड भी लिया जाएगा कि वह अरविंद को मारना चाहता था। जी हाँ, अरविंद को मारना चाहता था। तो जुड़े रहिएगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट इस मामले में देता रहेगा। अगर रोबिन नागपाल का जो परिवार है और मॉडल टाउन के तमाम लोग सड़कों पर ना उतरते, सेक्टर 13 चौकी पे प्रदर्शन ना करते, तो शायद इस मामले की जांच CIO को ना सौंपी जाती, होता यही कि एक्सीडेंट का मामला इसको दिखाकर खत्म कर दिया जाता। लेकिन परिवार की हम हिम्मत दिखाते हैं और उनके जो तमाम पड़ोसी थे, मॉडल टाउन के स्थानीय लोग थे, वो परिवार के साथ आते हैं, क्योंकि काफी अच्छी रेपुटेशन वाला जो परिवार था, नागपाल डेयरी वालों का बेटा था, और रोबिन नागपाल जिसकी उम्र महज 22 से 23 साल है, वो भी काफी अच्छे व्यवहार का लड़का था। सब पूरा मॉडल टाउन उस लड़के की काफी तारीफ करता था और इसी को लेकर पूरा करनाल जो है रोबिन नागपाल केस से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहता था। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको बड़ी अपडेट दे रहा है, 15 मिनट के अंदर करनाल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जिसमें तीनों आरोपियों को मीडिया के सामने लाया जाएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको तीनों आरोपियों की तस्वीरें दिखाएगा, आपको पुलिस का इंटरव्यू दिखाएगा कि किस तरह से अरविंद की हत्या करना चाहते थे राजू बटला, जो एक प्रॉपर्टी का काम करता है, और अरविंद और रोबिन नागपाल की गली में ही रहता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन टक्कर मारी, उसके बाद इन्होंने जिला सचिवालय से आगे एक होटल में जो है कमरा भी लिया और उसके बाद अपनी वाइफ को लेकर ये भाग भी गया था, शायद पंजाब से उसको हिरासत में लिया गया है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। एक बड़ी अपडेट आ रही है करनाल के रोबिन नागपाल मामले में, यह मामला हत्या का है। करनाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि तीन हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू बटला, जो उसके पड़ोस का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ गौरव पेलानी करके कोई इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में काम किया करता था, सदर बाजार का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जो एक शायद बीजेपी पार्टी से संबंध रखता है, उनके जो भाई है वो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। और जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरा लड़का है, वह नीरज नाम का है, जिसकी गाड़ी इस्तेमाल की गई थी हत्याकांड में। सबसे बड़ी बात है कि अरविंद को मारना चाहते थे, लेकिन दोनों सैर कर रहे थे, दोनों को गाड़ी से उड़ा दिया जाता है। रोबिन नागपाल की मौके पर ही मौत हो जाती है, हालांकि उसको पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया था, सुबह उसने दम तोड़ा, लेकिन अरविंद की भी टांगे टूट जाती है, मुंह पर भी चोट आती है। और अब इस बड़े मामले में करनाल पुलिस ने तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख रहे हैं, हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर परिवार सड़कों पर ना उतरता, अगर परिवार के साथ तमाम मॉडल टाउन के लोग सड़कों पर ना उतरते, तो ये फाइल हिट एंड रन का, एक्सीडेंट का मामला बताकर बंद कर दी जाती। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में
परिवार के लोग सड़कों पर उतरे, तभी जाकर इस हत्याकांड की जो गुत्थी थी वो सुलझी और 48 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस समय बड़ी खबर देख रहे हैं और कुछ ही देर में करनाल पुलिस इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तीनों हत्या आरोपियों को मीडिया के सामने लाया जाएगा। राजू बटला, गौरव और एक अन्य शख्स जिसका नाम नीरज बताया जा रहा है, वे तीनों गाड़ी में सवार थे। गाड़ी नीरज की बताई जा रही है और किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे, जो राजू बटला है उसका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, पैसे का लेन देन अरविंद से चल रहा था, अरविंद को मारना चाहता था लेकिन राजू बटला को टक्कर मारी, राजू बटला और अरविंद को टक्कर मारी। समझ चाहूंगा रोबिन नागपाल को और अरविंद को राजू बटला और दोनों आरोपियों ने टक्कर मारी, जिसमें रोबिन नागपाल की बड़ी बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर उसने सुबह दम तोड़ दिया। वहीं अरविंद जो है अभी भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बड़ी खबर इस समय देख रहे हैं, बड़ी अपडेट देख रहे हैं और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। 10 से 15 मिनट में हम दोबारा से आपके बीच में पहुंचेंगे जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि करनाल पुलिस ने रोबिन नागपाल केस की गुत्थी, हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया, तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, मीडिया के कैमरे के सामने लाया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील है करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा। 10 से 15 मिनट में हम दोबारा से आपके बीच में पहुंचेंगे और इस खबर को आप शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।